जैन साथियों, मैं दीपक यादव आपके ही अपने चैनल जुनून क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय जारी हो चुका है एसएससी सीपीओ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है यहां पर, जो आपके लिए हमने यहां पर लेकर आए हैं। अब यहां पर इसमें आपको क्या बताया जाएगा, यहां कौन सी भर्ती है, किस बारे में, तो ये सारी आपकी डिटेल कहाँ पर मिलेगी, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कौन सी भर्ती है, कितनी वैकेंसी है आपके लिए और क्या क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ये जो नोटिफिकेशन आया है, आज ही रिलीज़ हुआ है। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्म करने की डेट है आपकी 17 जून से, तो आपका 16 जुलाई तक, 17 जून से 16 जुलाई तक के यहाँ पर फॉर्म भराए जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम की डेट है 29 सितंबर से तो 5 अक्टूबर तक। बिल्कुल आपने सही सुना है, एग्ज़ामिनेशन डेट है ये दोस्तों, ठीक है। मतलब इसमें दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की डेट आ चुकी है 29 सितंबर से हैं, और पेपर अगर 2 की बात करें तो 1 मार्च 2021 में आपका पेपर 2 होगा। इसमें दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सारी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। चलिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो 17 जून से 16 जुलाई के बीच में है। बिल्कुल आपने सही सुना, जो एप्लीकेशन या कहें कि आपकी फॉर्म भरने की ऑनलाइन डेट है जो 17 जून से तो 16 जुलाई के बीच में रहेगी। अगर एग्ज़ाम की बात करें 29 सितंबर से तो 5 अक्टूबर के बीच में, 29 सितंबर से तो 5 अक्टूबर के बीच में पेपर 1 होगा। इसमें दो पेपर होते हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। जो बच्चे पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे वो पेपर 2 में इंटर होंगे। तो पेपर 2 की डेट यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं 1 मार्च 2021 को पेपर 2 होने वाला है, सेकेंड पेपर, या इसको ऐसा कहें टायर 2, ठीक है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई भी एक डिग्री होना चाहिए, डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर एज की बात करें तो 20 मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। इसमें दोस्तों SC ST और OBC के लिए जो रिजर्वेशन है वो लागू होता है। SC ST में यदि आप आते हैं तो 5 साल के लिए, और OBC में हैं तो 3 साल के लिए आपका रिजर्वेशन है। तो प्लस कर लीजिएगा 25 से प्लस 5 और OBC के लिए +3, 28 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्रोसेस की बात करें, एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो इसमें जो सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या रहेगा, तो इसका यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा, और इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए अगर हम बात करें पेपर 1 में, तो पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, देखिए जो पेपर 1 है वो 200 मार्क्स का रहेगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें सब डिवीज़न किया गया है, क्या क्या क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, आपका जनरल, इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। मैथ्स जिसको बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, इसको 50 क्वेश्चन 50 नंबर। बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश का पोर्शन भी है यहाँ पर, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन, इसके 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। यहाँ पर एक फोर्थ क्वेश्चन आया है सब्जेक्ट जिसका नाम है GK एंड GA, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। आपका टाइमिंग है 2 घंटे, आपको 2 घंटे में इनको सारे को सोल्व करना है। अगर बात करें जो बच्चे पेपर 1 में क्वालिफाई हो जाते हैं, वो इंटर करते हैं पेपर 2 में, तो उसके लिए भी यहाँ पर बनाया गया है, क्या है उसमें एक ही सब्जेक्ट आने वाला है, बिल्कुल हाँ एक ही सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश। क्या आएगा अगर बात करें इंग्लिश, कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन, आपको इंग्लिश की यहाँ पर पूरी डिटेल दी जाएगी, आप हमसे जुड़े रहें क्योंकि इंग्लिश की भी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। चलिए इंग्लिश 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, ये फाइनल रहेगा आपका। अब इसके बाद में क्या होगा, मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर और किस, कौन से बच्चों को छूट दी जाती है, तो NCC के लिए इसमें स्पेशल डिस्काउंट दिया है, मतलब बोले तो कुछ मार्क्स इंक्लूड करेंगे SSC के, NCC के जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसके लिए, तो क्या होंगे वो आपको हम बता देते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात करें, तो फिज़िकल स्टैंडर्ड की भी यहाँ पर चर्चा होगी।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, यहाँ से कुछ सीखने को मिला है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई, तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जय हिंद।